हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वांगटू से जस्ट थोड़ा पहले हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं निकल लूँ क्या। आप ज़रा ये देखिए और ज़रा इधर के व्यू देख लीजिए। सुबह सुबह बज रहे हैं 8। मैं क्या सोच रहा हूँ निकल लेते हैं यहाँ से सांगला से पहले आंटी आए और यहाँ भीड़ बढ़ जाए चला जाए। तो गाइस सीधे मिलते हैं रोड पे और रास्ते में कुछ अगर नाश्ता पानी करने की जगह मिलेगी तो नाश्ता पानी कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आ गए हैं फाइनली हम लोग रोड पे और कल मैं नारकंडा से सिर्फ वांगटू तक आ पाया और आज कोशिश क्या करेंगे आज हमें पहुंचना ही है चितकुल। तो चितकुल बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है जैसा कि मैंने सुना है। तो दोस्तों चलते हैं। अरे ये क्या, तभी तो रास्ते में ट्रैफिक नहीं था। ओहो, लगता है रास्ता बंद है। चेक करके आता हूँ। तो दोस्तों आगे वो भैया पेड़ काट रहे थे तो उनसे हमने पूछा तो बता रहे हैं कि आगे पत्थर गिर रहा है तो हम लोग इस तरफ से तो नहीं जा सकते, ये रास्ता बंद है। तो रात में कल जहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ था और फिर भी मैं बैरिकेड के अंदर गया हूँ कल शाम में, तो मुझे वहाँ से ही नीचे दूसरा रास्ता लेना है जो नदी के उस तरफ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बोल रहे हैं ये बंद है, नीचे से जाइए, वो वाला रूट जो है। तो दोस्तों चलो चलते हैं, देखते हैं कौन सा नया रास्ता है। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में जो ये रैंप जैसी जगह देख रहे हैं यहीं मैं रुका था और ये आंटी की शॉप है फैब्रिकेटर की और बगल में गाड़ियों का गैरेज भी था। तो यही लेफ्ट साइड में आप जो रैंप देख रहे हैं यहीं पे ऊपर पे मैं रुका था। तो वहां से वापस जहां से गेट बंद था वहां से मैं वापस आ गया हूं। तो दोस्तों ये है वो बैरिकेडिंग कल जो हम क्रॉस करके अंदर आ गए थे। हमें यहीं से यू टर्न लेना था। अब यहां से चलते हैं नीचे और आगे चल के कन्फर्म करते हैं किसी से कि यह रास्ता सही है कि नहीं। ऊपर आप रोड देख रहे हैं उस रोड से हमें जाना था बट वो रोड बंद है तो हमें ये डैम के बगल से जाना है और ये रोड बहुत खराब है, सिंगल बार बार रुकना पड़ रहा है। तो दोस्तों जहाँ पे स्टे किए थे वहाँ से निकलते ही दो सीन हो गया है। पहला सीन तो ये कि जो ये मेन रोड है सांगला का ये बंद है क्योंकि वहाँ पत्थर गिर रहे हैं तो हमें नीचे से जाना पड़ेगा वो नदी की उस तरफ से। और दूसरा सीन ये है कि आप ये देखिए पीछे ये इंजन कवर रखा हुआ है, नीचे से ये इंजन कवर ही गिर गया गाड़ी में से नीचे से, तो वो भी लगवाना है। तो पहले चलते हैं देखते हैं रास्ता कहाँ से है नीचे से जाने वाला, भैया बता रहे हैं उस तो चलते हैं। सुबह सुबह 2 BT हो गया है। ब्रश किया है ना मैंने कुछ खाया है, सीधा उठाऊँ वहाँ से और चल दिया हूँ। चलते ही दो पहले ख़राब चीज़ें हुई, पहले तो ये रास्ता बंद था, दूसरा ये मेरा इंजन कवर जो है नीचे से धड़ 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 लड़ने लगा। तो इंजन कवर खोल के रख लिया है, अभी कोई मैकेनिक आके दिखे तो उनसे लगवा लेते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह भी होंगे वहीं पे। तो सांगला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 40-45 किलोमीटर है तो 1-1.5 घंटे में कम्प्लीट हो जाना चाहिए। तो लेट्स गो एंड सी इट। दोस्तों इंजन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है गंदगी की वजह से और ये अपना इंजन कवर
हाँ देखिए ये लगी कहाँ पे हुई है गाड़ी, भैया नीचे बना रहे हैं। चंगा लगवाने के बाद धुलवा भी लेते हैं अगर हो पाएगा तो, क्योंकि तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। ये देखिए आप पूरी, ये पूरी गाड़ी एकदम ऐसी की तैसी हो चुकी है। गंदी गाड़ी अच्छी नहीं लगती, धुला ली जाए। 9:30 बज रहा है, पूरा दिन है अपने पास। फाइनली दोस्तों गाड़ी धुल चुकी है, पूरी चमक गई है अपनी, अब अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। दोस्तों गाड़ी धुल गई, चमक गई, अब चलते हैं यहाँ से सीधे सांगला। ये देखिए सामने बर्फ है, सामने भयानक बर्फ आई हुई है ऊपर से, बट गंदी है। तो दोस्तों आपको आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़े रास्ते समझा देता हूँ, उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप आएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं पिछली वीडियो में नारकंडा से स्टार्ट किया मैंने और हाटू पीक गया, और फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ के सीधे मैं निकला करछम की तरफ, ठीक है। और आप अगर आप सीधे निकल जाएंगे तो रिकोंगपियो, तो बार बार मैं रिकोंगपियो इस जगह के नाम ले रहा था, तो उससे रिकोंगपियो से 50 किलोमीटर पहले ही करछम से आपको अंदर जाना है चितकुल के लिए। तो रात में मैं रुका था वांगटू के पास, वांगटू यहाँ पे इस एरिया में है कहीं पर टापरी से पहले, और आपको ये करछम, करछम से होते हुए जाना है आपको रक्षम, रक्षम से फिर आपको आएगा चितकुल, और ये जो वैली है ये दोनों पहाड़ के बीच में, इसको बोलते हैं सांगला वैली। तो दोस्तों और आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं किस तरीके का है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि भाई आगे जिस तरीके का मुझे पता चला है लोगों से कि आगे पूरी बर्फ़ है, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो गाइस चलते हैं, और इससे पहले जो ये रास्ते हैं ना, क्या ज़बरदस्त रास्ते हैं, मतलब मज़ा ही आ गया। तो अभी कोई लोकेशन मिले तो वहाँ पर रुक के थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए, देखा जाए। तो दोस्तों ये अब रास्ता शुरू है सांगला वैली के अंदर, और अब हम लोग धीमे धीमे ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ के चितकुल तक पहुंचेंगे। तो चितकुल काफ़ी हाइट पे है, वो हाइट मैं अभी आगे आपको चल के बताता हूँ जब हम चितकुल पहुंचेंगे। तो ये कुछ इस तरीके के रास्ते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब अब ये जो मोड़ आप देख रहे हैं यहाँ से ही पूरी यू टर्न लेने के बाद पूरी हाइट बढ़ती है, और आप मेरी स्पीड देखिए, मैं बिल्कुल फर्स्ट गियर सेकंड गियर में चल रहा हूँ बिल्कुल आराम आराम से, और हर एक मोड़ पे नया खूबसूरत नज़ारा है तो उसको एंजॉय करते हुए। बट इतना ज़्यादा भी मैं देख नहीं रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा कंसंट्रेट रोड पे कर रहा हूँ। और आप ये देखिए किस तरीके के पतले पतले रोड हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कॉशियसली चलाना है, और अक्सर ऊपर से पत्थर वगैरह भी गिरते रहते हैं। जितने रोड पे आपको ये पत्थर दिख रहे हैं सब ये ऊपर से आए हुए हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से चलाना है और बिल्कुल स्लो स्लो चलाना है। अब आप ये देखिए, ये यहाँ के लोकल ड्राइवर हैं, तो इनकी स्पीड आप देखिए कितनी तेज़ जा रहे हैं। तो इतनी तेज़ तो हम तो भाई यूज़ टू नहीं हैं, हम स्पीड लिमिट के अंदर बिल्कुल तमीज़ से चलाएंगे। तो हम फर्स्ट गियर सेकंड गियर में आराम आराम से चल रहे हैं, और पूरी इस एम्बियंस का, इस पूरे जो आप क्या कहेंगे वातावरण का मज़ा जो है वो ले रहे हैं हर तरीके से, भरपूर तरीके से। और जितने भी हम मोड़ मुड़ते जा रहे थे, जितनी भी चढ़ाइयाँ हम पार करते जा रहे थे, जितना हम ऊपर जाते जा रहे थे उतने ही खूबसूरत नज़ारे होते जा रहे थे। और अभी से चितकुल ने हमारे लिए क्या रख रखा है वो तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा, बट अभी तक सो फार सो गुड, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। We'll be right back.
दोस्तों रक्षम भी पास हो गया, तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि आप कैंप तो कर सकते थे, बट अभी सारी जो कैंपिंग के ग्राउंड्स वगैरह जगह है वहाँ सब जगह बर्फ गिरी हुई है, तो आपकी गाड़ी 4x4 है नहीं, जा नहीं पाएगी। आप चितकुल में जाके देखिए, क्या पता आपको जगह मिल जाए काम करने की, तो वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी बज रहा है 1, लग रही है बहुत तेज़ भूख, कुछ नहीं खाया सुबह से, तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी यहीं पार्क कर देते हैं और यहाँ पीछे जो है चल के थोड़ा कॉफ़ी बना लेते हैं। बन वन ले लिया था मैंने, तो बन और मक्खन लगा खाते हैं और कॉफ़ी बनाते हैं। देखिए दोस्तों, बर्तन साफ़ करने के लिए इन सब जगहों पर सबसे बढ़िया है, ये बर्फ़ लीजिए आप। देखिए बिल्कुल साफ हो गया दोस्तों, ये बन रहा है अपना अंडा। और आप लोकेशन देखिए आप एक बार, अंडा तो छोड़िए, अंडा वंडा तो बनता रहेगा। ये अपना सिस्टम और ये हिला देंगे बहुत ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। तो दोस्तों ये अंडा बन जाए फिर बन सेक लेते हैं, और फिर तो अंडा बन कॉफ़ी इतना मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, तो बढ़िया अलग ही मज़ा है, अलग ही मज़ा है ऐसी लोकेशन बैठ के अपना खाना वाना बना के खाना। अमेज़ॉन का स्टूल हमेशा की तरह काम आते हुए, और यहाँ पे बन रही है अपनी कॉफ़ी, कॉफ़ी बन जाए और आपको दिखाता हूँ। ये अपना रेडी हुआ है अंडा, अंडा और बन सुखाएंगे, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बस कॉफ़ी रेडी हो जाए फिर खाते हैं, या खाते हैं यार, कॉफ़ी तो रेडी होती रहेगी। इसमें तंदूरी सॉस डाल दी थी मैंने, मज़ा आ गया। हाफ खा लिया हूँ, हाफ अभी कॉफ़ी बनने का भी है। दबा के कॉफी डाल दी है, दूध इतना उबल चुका है। दोस्तों इतनी कॉफी बना ली है कि 2 बार पीऊंगा इसको, एक अभी एक थोड़ी देर बाद, हाफ कप पी के रख दूंगा बंद करके। तो अभी मुझे ये 3 बर्तन धोने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले खाया जाए कॉफ़ी पिया जाए फिर देखा जाए। दोस्तों खा लिया बन, पेट भर गया, आप कॉफ़ी पियेंगे थोड़ी देर, यहाँ बैठेंगे और ड्रोन शॉट्स भी लेंगे सामने।